Hello students, I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EBS, we studied about the chapter number 17. हमने revise किया था chapter number 17, environment pollution. Now, आज की class में we are going to revise the chapter 19. So हम लोग revise करने वाले हैं chapter 19, our transport. Okay? So let's start this chapter and let's start revising this. So the first thing in this chapter is given that the today how many modes of transportation we have. So सबसे ज़्यादा जो important modes in transport के साधन हैं बेटा, the main modes of transports are the main modes of transport क्या-क्या हैं? So, सबसे पहले आता है आपका रोड सड़कें ओके एंड देन रेलवे उसके बाद आपका आता है एयर ट्रांसपोर्ट राइट सो रोड्स आते हैं उसके बाद आता है आपका रेलवेज देन आएगा आपका एयरवेज और फिर आता है वाटरवेज तो ये जो चारों है ये चारों इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यातायात के सबसे ज्यादा जो मुख्य साधन है यही ये यूज होते हैं सो लेट्स सी हम बात करेंगे एक एक करके एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी विल स्टार्ट विद द रोडवेज हम रोडवेज से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट द रिविजन ऑफ वन बाय वन ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट So let's start with this one. The first is roadways. पहला क्या है? पहला है roadways. Now roadways जो है, वो land transport के सबसे important part माने जाते हैं. Okay? Land transport के लिए सबसे important कौन है? तो वो है roadways. And when it comes to the roadways क्या होता है इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है जा सकते हैं अगर आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है तो अगर आपके रोड्स जो है वो प्रॉपरली बने हुए हैं एंड रोड से कनेक्टेड है सिटीज इन टाउन तो वो आपके लिए एक बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है तो अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटी सी जगह हो या बहुत ज़्यादा दूरी की भी सो वॉट यू आर गोइंग टू डू यू कैन यूज द रोडवेज इससे आप सामान भी कैरी कर सकते हो गुड्स भी कैरी कर सकते हो एंड लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजली पहुंच सकते हैं दिस अलाउ गुड्स टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इससे क्या कर सकते हैं आप गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं जैसे राइट नाउ आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो चीज़ों को देन व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब वो आपके पास आता है डिलीवरी बॉय उसे लेके आता है सो ऑब्वियसली ही यूजेस द रोडवेज वो बाइक के थ्रू या बाइसिकल के थ्रू जिसके भी थ्रू वो आता है आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो वो रोडवेज यूज करता है राइट अगर रोडवेज ना हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ बहुत टफ हो जाएगा चीज़ों को डिलीवर करना नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपकी जो स्टेट्स इन्हें कनेक्ट करना ओके सो स्टेट्स को कनेक्ट करता है सिटीज को कनेक्ट करता है टाउन को कनेक्ट करता है एंड विलेजेस को भी ये कनेक्ट करता है क्या रोडवेज ओके एंड नाउ अगर आपके पास आपने देखा होगा वेन इट कम्स टू द गुड्स ऐसे गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स ओके वेजिटेबल हो गए फ्रूट्स हो गए और ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि अनाज हो गए फूड हो गया बेटा अनाज हो गया दीज थिंग्स हम कैसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो रोडवेज का यूज करके हम इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट्रक्स के थ्रू लाइक ट्रक्स हो गए आपके बसेस हो गए आपके उसके बाद ऐसे ऐसे छोटे व्हीकल्स आते हैं जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं वो व्हीकल्स हो गए तो दे आर गोइंग टू मेक योर
द वर्क वेरी इजी, आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं. नेक्स्ट इज हमारे जो डेली यूज की चीजें हो गई जैसे कि ये सभी, इन्हें गुड इन गुड्स को डिलीवर करना रोडवेज के बोर्ड में बहुत ईजी हो जाता है. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है रोडवेज में दैट ऐसे रोड्स, ओके ऐसे रोड्स जो मेन पोर्ट्स, ओके मेन पोर्ट्स एंड सिटीज को कनेक्ट करते हैं. ओके मेन पोर्ट्स एंड सिटीज को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नेशनल हाईवे. व्हाट डू वी कॉल देम, हम उन्हें नेशनल हाईवे बोलते हैं. ये आपके जो स्टेट्स होते हैं उनमें जो मेन सिटीज होती हैं उनके बाहर से कनेक्टेड होते हैं एंड आपकी रोड सिटीज की साइड पे जाती है. उसी के साथ साथ ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, ये जो हाईवेज होते हैं ये रोड्स होते हैं. जैसे कि हमारे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रोड्स, एक रोड है जो हाईवे है जो कि सबसे लंबा हाईवे माना जाता है. एंड ऐसे ही जो हाईवेज हैं ये पूरी कंट्री में एक रोड नेटवर्क को फैलाते हैं, तो पूरे जो कंट्री के रोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, सिटीज जो है वो इससे कनेक्टेड होती है, जो मेन सिटीज होती है जो रोड मेन रोड्स होते हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब नेशनल हाईवे जो हमारा होता है उसकी देखभाल कौन करता है. देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी जो हाईवेज का ध्यान रखती होगी, क्योंकि अगर हाईवेज का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कैसे हमारा जो रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी, कैसे हमारे हाईवेज का ध्यान रखा जाएगा कि उनका मेंटेनेंस होता रहे एंड वो प्रॉपर कंडीशन में रहे. तो इसके लिए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ वो है NHAI एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. क्या नाम है इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI. ये जो है ये देखभाल करती है, ये मेंटेनेंस करती है एंड ये ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाने का काम भी करती है, जिससे हमारे कंट्री में जो रोडवेज का नेटवर्क है, जो हाईवेज का नेटवर्क है वो दिन पर दिन बढ़ता रहे एंड प्रोग्रेस करता रहे. सो दिस इज द वर्क ऑफ NHAI. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. इसी के साथ जो हमारी कंट्री में रोड्स का नेटवर्क है वो हमारा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नेटवर्क में काउंट होता है. सो हमारे पास लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ रोड है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड, जो कहाँ का, हमारी कंट्री का. ओके तो हमारे पास है लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. सो इन दिस वे रोडवेज जो है हमारी इंपॉर्टेंस को दिखाता है. ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है रोडवेज, दिस इज व्हाट वी कैन सी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड डेली जो हमारे नीड्स हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि रोडवेज कितना इंपॉर्टेंट है. नाउ जिस तरीके से नेशनल हाईवेज होते हैं NH होता है, उसी तरीके से स्टेट हाईवेज होते हैं. ओके उसी तरीके से स्टेट हाईवेज होते हैं. स्टेट हाईवेज के की जो मेंटेनेंस है एंड जो उनका केयर है वो कौन करता है, तो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है. ओके ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है इसकी देखभाल. उसी के साथ साथ इसके ये जो स्टेट हाईवेज होते हैं ये आपके जो मेन सिटीज होते हैं स्टेट्स के उनको जोड़ते हैं. उसके बाद इनके अलावा भी रोड्स होती हैं, वो रोड्स जो कि सिटीज को, विलेजेस को, जो छोटे स्मॉल सिटीज विलेजेस एंड जो बस्तियां हैं टाउन्स हैं उनको क्या करती हैं, उनको जोड़ती हैं, जिससे सब में कनेक्शन बना होता है, लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि रोड्स कितने टाइप की होती हैं. ये तो हमने देख लिया
कि रोड्स कितने की जो केयर है वो कौन करता है एंड किस लेवल पे रोड्स होते हैं, एनएच होते हैं एंड स्टेट हाईवे होते हैं. अब हम देखेंगे रोड्स कितने टाइप के होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू टाइप, रोड के दो टाइप होते हैं. ओके, द फर्स्ट इज मेटल्ड, द फर्स्ट इज मेटल्ड रोड एंड द सेकेंड इज अनमेटल्ड रोड. सो द फर्स्ट इज मेटल रोड्स and the second is unmetalled roads. okay, जो metal roads होते हैं उन्हें हम पक्का रोड के नाम से भी जानते हैं. ये जो roads हैं ये बने होते हैं आपके तार, सीमेंट और स्टोन से. तो ये स्टोन, सीमेंट एंड तार, इन सब चीज़ों से बने होते हैं. एंड when it comes to unmetalled road, अनमेटल रोड जो है वो मेनली आपको छोटे गांव वगैरह में वहाँ पे आपको मिलेंगे. अदरवाइज जो हमारी कंट्री है बिकॉज वी आर डेवलपिंग प्लॉट, हम बहुत विकास कर रहे हैं जिसकी वजह से मेटल रोड्स बनाना हमारी जो गवर्नमेंट है उनका मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी है वो बढ़ा सके. लेकिन जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी अभी भी अनमेटल रोड हैं एंड ये जो होते हैं ये बेसिकली आपके जो मड होता है, जो मड होता है उससे ही बने होते हैं अनमेटल रोड, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कच्चा रोड के नाम से ही जानते हैं एंड मेटल रोड को हम पक्का रोड के नाम से ही जानते हैं. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ रोड वेज. ओके, now come to the next thing. The next mode of transportation is railways. अब हम देखते हैं second mode of transportation है railways. railways is just like the lifeline of India. ये हमारी कंट्री के लिए lifeline की तरह काम करती है. हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क है रेलवेज का. हमें जब भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है या दूसरे सिटी जानी होती है तो स्टिल पीपल क्या प्रेफर करते हैं, वो ट्रेन्स को प्रेफर करते हैं कि ट्रेन से चलते हैं. स्टिल योर फैमिलीज, जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सिटी में जाना है या कहीं घूमने जाना है तो आप लोग भी रेलवे को प्रेफर करते हो. तो जो रेलवेज होते हैं ये ऑलमोस्ट ऑल जो हमारी सिटीज हैं आज के टाइम पे एंड जो टाउन्स हैं इनको कनेक्ट करते हैं. कंट्री की जो सारे सिटीज एंड टाउन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं एंड उसके साथ साथ जो रेलवे है इसका कंबाइंड लेंथ जो टोटल लेंथ और लंबाई है, जो बेसिकली जो दूरी ये कवर कर रहे हैं वो कितनी है. सो द कंबाइंड लेंथ इज 66,000 किलोमीटर्स. ये 66,000 किलोमीटर का कंबाइंड लेंथ बेसिकली कवर करते हैं एंड उसके साथ साथ व्हेन इट कम्स टू कि हमारे हमारी कंट्री कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करती है, कौन से नंबर पे खड़ी है रेलवेज के मामले में. सो व्हेन इट कम्स टू एशिया, ओके, अगर हम एशिया की बात करें तो हमारा जो नेटवर्क है वो रेलवे नेटवर्क सेकेंड लार्जेस्ट है. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट है हम रेलवे नेटवर्क के मामले में हमारे कॉन्टिनेंट एशिया. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें देन वी आर ऑन फोर्थ रैंक. हम क्या है, हम फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं. सो फोर्थ नंबर पे है इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड नंबर पे है इन एशिया हमारे कॉन्टिनेंट. ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन वी हैव रिगार्डिंग द रेलवेज. इस वजह से जो रेलवे है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है. दैट्स वाई वी आर ऑन सेकेंड लार्जेस्ट, इसलिए हम हमारे कॉन्टिनेंट में सेकेंड लार्जेस्ट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग की लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेलवे कि कौन लाया है, कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ पे रेलवे. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू रेलवे, देखिए ये हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. सो किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में रेलवे को.
कौन से ईयर में किया था बेसिकली. सो जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में. इन द ईयर 1853 में पहली ट्रेन चली थी हमारे कंट्री में. एंड वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो महाराष्ट्र में मुंबई टू ठाणे, दोनों ही जगह महाराष्ट्र में है. मुंबई से ठाणे के बीच पहले जो रेल थी वो चली थी हमारी कंट्री में. एंड वॉट वॉज द ईयर? ईयर कौन सा था? तो वो ईयर था 1853. एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अमेरिकन्स ने नहीं, ओके, या और किसी ने नहीं, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को. ओके, जिस तरीके से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने एंड बिल्डिंग्स बनाए थे जिनके बारे में हमने बात की थी, उसके साथ साथ उन्होंने रेलवे भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले जो रेलवे स्टार्ट ट्रेन चली थी तो उसमें जो इंजन्स होते थे वो इंजन्स स्टीम इंजन होते थे. वो कौन से इंजन होते थे? वो स्टीम इंजन पर बेस्ड होते थे. उस टाइम पे उनके इंजन्स स्टीम बेस्ड होते थे. आज के टाइम पे जब हम इंजन्स यूज करते हैं, सो नाउडेज आज के टाइम हम जो इंजन यूज करते हैं वो बेसिकली या तो डीजल इंजन होते हैं, ओके, वो या तो डीजल इंजन के होते हैं बेटा, या तो वी आर स्विचिंग टू, हम तो स्विच कर रहे हैं इस पे इलेक्ट्रिक इंजन्स, या तो वो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं. जिससे क्या हुआ है कि डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन यूज करने से जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है. जिससे क्या हुआ है, नई नई ट्रेन लॉन्च हुई हैं जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज ट्रेन. तो अगर हम बात करें इंट्रोड्यूस किसने किया? ब्रिटिशर्स ने 1853 में. पहले कौन से इंजन यूज होते थे? तो स्टीम इंजन यूज होते थे. नाउडेज वी आर यूजिंग डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन, ये दोनों इंजन यूज हो रहे हैं ट्रेन में. अब बात करते हैं कि कौन सी है फास्ट ट्रेन, क्योंकि इन इंजन से जो स्पीड है वो ट्रेन की इंक्रीज हुई है. तो इसलिए जो ट्रेन्स होती हैं उनके में कुछ ऐसे ट्रेन्स लॉन्च की गई हैं बनाई गई हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें कम से कम टाइम में. उनमें जैसे कुछ ट्रेन्स के नाम हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, उसके बाद हम नाम दे सकते हैं वंदे भारत. ओके, वंदे भारत ऐसे ट्रेन जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एंड उसके साथ साथ राजधानी. ओके, राजधानी, ये जो तीन तरह की जो ट्रेन्स हैं ये बहुत ही फास्ट चलती हैं एंड इनकी स्टॉपेज किसी किसी मेन स्टेशन पे होते हैं. एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं कम से कम टाइम. उसके बाद ये तो हमने बात करी प्रॉपर जो रेलवे जो ट्रेन्स हैं उनकी. नाउ इनके अलावा भी कुछ ट्रेन्स चलती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की होती हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. जैसे कि हो गया, अगर आप बात करो इनके अलावा जो ट्रेन्स होती हैं तो जो हमारे सिटी के अंदर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विद इन द सिटी, ओके, सर्विसेज विद इन द सिटी, ओके, सिटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. जैसे हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे कोची की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, ये सब सिटीज में क्या है? इन सब सिटीज में हैं मेट्रो ट्रेन्स. ओके, ये या तो जमीन के अंदर चलती हैं या तो इनके ट्रैक्स ऊपर की तरफ होते हैं. और ये जो आपकी सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिससे आप कम टाइम में यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ट्रैफिक फेस किए पहुँच सकते हो, क्योंकि रोड्स पे ट्रैफिक बहुत होते हैं. तो अगर आप चाहो तो रेलवे में मेट्रो ट्रेन्स को यूज़ कर सकते हो. ना ये जो मेट्रो ट्रेन्स हैं ये बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लॉन्च होनी बाकी हैं. जैसे कि अगर आप बात करो तो हमारे लखनऊ में है, दिल्ली में है, इसके साथ साथ कोलकाता में है, कोची में है, इन सब जगहों पे जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो
अवेलेबल है. स्टिल बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी सिटीज में ये इंट्रोड्यूस होना बाकी है. ना इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेन्स की जो कि बहुत अच्छा नेटवर्क होती है पूरी सिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. एंड वो मेनली हमारे यहाँ पे एक सिटी में चलती है जो कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी है, जो स्टेट टू. ओके, तो मुंबई में बेटा देर आर लोकल ट्रेन्स, वहाँ पे लोकल ट्रेन्स चलती है. मुंबई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं लोकल ट्रेन्स का. ये लोकल ट्रेन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये डेली बेसिस पे चलती है. एंड मेनली जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे वो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर सके एंड बिना ट्रैफिक फेस किए वहाँ पे पहुँच सके. सो लोकल ट्रेन्स जो मुंबई के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डेली लाइफ में. ओके, सो दिस इज वी हैव कवर्ड, हमने कवर कर लिया है रोडवेज एंड वी हैव कवर्ड रेलवेज. ओके, तो रोडवेज एंड रेलवेज वी हैव कवर्ड. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द वाटरवेज एंड एयरवेज. सो फॉर नाउ वी आर डन. थैंक यू.